जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। लक्ष्य, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप दोनों में एक चीज कॉमन है, आप दोनों ने ही टीवी से अपनी शुरुआत की, तो क्या कहीं ना कहीं एक एंट्री पॉइंट दिमाग में था कि सिनेमा के लिए ये एक सीढ़ी हो सकती है, टीवी बेहतर सीढ़ी हो सकती है? सीढ़ी के बारे में तो सोचा ही नहीं मैम कभी, कि मतलब ये पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी फिल्म्स, ऐसा कभी सोच के काम किया नहीं था, शुरुआत ऐसी कभी हुई नहीं थी। मैं आया था दिल्ली से, मुझे एक शो मिल गया था टीवी के अंदर, वॉरियर हाई मेरा पहला शो था एमटीवी का, तो शुरुआत की थी सिर्फ काम करने का था, कि मतलब काम करना है, अब वो टीवी है, वो थिएटर है या फिल्म्स है, उसके बारे में इतना सोचा नहीं था। जो मिला काम वो किया, और वो देन एक शो किया, दो शो हो गए, तीन चार शोज मैंने टीवी के अंदर किए। और हाँ, कभी ऐसा सीडी के बारे में सोचा नहीं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप और द सेकंड स्टेप इज फिल्म, जैसे कि सोच के कभी काम किया नहीं था। तो राघव, डांस से कैसे एक्टिंग, मतलब प्लान था या एक डांस से? तो फिर मैंने बहुत कुछ किया है, होस्टिंग की, कोरियोग्राफी की, फिर मैं एक्टिंग में आया, ऐसी कुछ प्लान नहीं, जो फ्लो में आता रहा लाइफ में जो कितना पेशेंस रखना पड़ा, क्योंकि फियर कहते हैं एक्टर स्क्रीन पे नहीं दिखे तो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक डर रहता है। That's correct, ma'am, but, जब टीवी के दौरान क्या था ना कि बहुत सारे ऑलरेडी दे वर वेरी बिग नेम्स इन टीवी, जो बहुत बड़े स्टार्स बन चुके थे, और मेरा सपना था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ना मैं सबसे बड़ा स्टार अचानक से बन जाऊं, सो व्हाट शुड आई डू कि मैं एकदम आगे निकल जाऊं सबसे, बिकॉज़ इट्स टू अर्ली इन माय लाइफ, कि एंड आई वाज 19 या 20 इयर्स ओल्ड दैट टाइम जब पोरस हुआ मेरे साथ। तो मेरा था कि यार मैं कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, लेकिन कैसे करूं, बिकॉज़ टीवी के अंदर पोरस हुआ, व्हेन पोरस खत्म हुआ, पोरस वाज द बिगेस्ट शो ऑन टेलीविजन, काफी बड़ा शो था, और इससे ऊपर मैं क्या करता, मतलब मुझे लगा कि यू नो सब कर लिया मैंने, इसके अंदर एक्शन कर लिया, रोमांस कर लिया, सारे रिलेशनशिप, फादर सन रिलेशनशिप, सन मदर सन रिलेशनशिप सारे एक्सप्लोर कर लिए थे। फॉर मी दैट वाज द एपिटम ऑफ टीवी। तो था कि वेंचर करते हैं, फिल्म्स में सबैटिकल लेते हैं, टीवी छोड़ते हैं, देखते हैं चीज़ें पैन आउट होती हैं नहीं होती हैं। तो टीवी छोड़ा, देन फिर ऑडिशंस दिए, देन आई मेट शानू शर्मा, शानू मैम ने थोड़े बहुत ऑडिशन लाइनअप किए, उन्होंने बहुत ग्रूमिंग की, देन इवेंचुअली धर्मा हैपेंड, दोस्ताना हैपेंड, और फिर दोस्ताना डिडंट वर्क आउट फॉर मी। तो पेशेंस तो काफ़ी रखना पड़ा, और ये आप जो फेयर की बात करो, ये काफ़ी हद तक वाजिब था कि यार मैं दिख नहीं रहा हूँ, कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है घर पे, कैसे बरकरार रखें ज़िंदगी, लेकिन उम्मीद थी, एक होप थी कि जब होगा तो ऐसा होगा कि लोग देखते रह जाएंगे और मैं खुद स्टन रह जाऊँगा। तो वो आग, एक ज्वालामुखी कह लो या कुछ मोटिवेशन कह लो, वो थी कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ बड़ा करना था, इसलिए सबैटिकल ले लिया था, कि टीवी छोड़ दिया था, मतलब ऑफर्स आ रहे थे अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे लोग थे, डायरेक्टर्स थे जिनके साथ मौका मिल रहा था काम करने का, लेकिन अब जिद थी एक कि नहीं यार अभी फिल्म्स के अंदर ट्राई तो करना है एक बार।